हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार आदाब। मैं अफसाना फिरोजी, मैं बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश में रह रही हूँ। मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ फेबिना ग्रुप के कुकिंग कंपटीशन में, और इस कंपटीशन में मैं बनाने जा रही हूँ चिकन फजीता सीजलर प्लेट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप मेरी रेसिपी को लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक करें। और चलिए हम चलते हैं किचन में मेरी रेसिपी की तरफ। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना चिकन फजीता। और ये रही हमारे चिकन फजीता की रेसिपी। ये चिली फ्लेक, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, क्यूमन पेपर, गार्लिक पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, और ये है रोटी बनाने के लिए मैदा, ईस्ट, बेकिंग सोडा, चिकन, गाजर, ग्रीन चिली, ऑनियन एंड रेड बेल पेपर। अगर आप चाहें तो बिना सब्जी के भी सिर्फ चिकन का ही चिकन फजीता बना सकते हैं। और हम पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर चिकन को मैरिनेट करेंगे। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर 1/2 tbsp, 1/4 tsp चिली फ्लेक, 1/4 tbsp ऑरिगेनो, 1/4 tbsp क्यूमिन सीड, 1/4 tbsp ब्लैक पेपर पाउडर। और अब हम इसे अच्छे से मैरिनेट करके कम से कम आधा घंटे के लिए रख देंगे। और ये हम फजीदा के लिए टर्टिला बनाएंगे, जिसमें हम मिक्स करेंगे ईस्ट और बेकिंग पाउडर। पर मैंने टर्टिला मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। गूंथने के बाद इसे हम एक घंटे के लिए छोड़ते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बना लिया इसको, ताकि हमारे टाइम की बचत हो। और ये बहुत ही मुलायम बनाया है मैंने, सॉफ्ट है बहुत। सबसे पहले हम रोस्ट करेंगे इसमें भेज को, जितने भी हमारे पास भेज है, ऑनियन है, सभी को पहले हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये हमारा भेज रोस्ट हो चुका है, इसे हम रखते हैं साइड में। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक, ऑरिगेनो पाउडर, पेपरिका विथ शुगर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन को थोड़ा भूनने के बाद गार्लिक पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ ग्रीन चिली। कुछ देर हम चिकन को धीमी आंच पर पकाएंगे। अब चिकन हमारा हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड वेज और इसे अच्छे से मिलाएंगे भूनते हुए। अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीन बेल पेपर और येलो बेल पेपर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको वेज पसंद ना हो तो सिर्फ चिकन का भी चिकन फजीता बना सकते हैं। हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो सॉस, मेयोनीज। दोनों ही हमने एक छोटी कटोरी से एक ही कटोरी लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने अपने सीजलर प्लेट को चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए, और तब तक हम
टर्टिला में चिकन को फिल करते हैं। अब हम अपने सारे टर्टिला, एक तरह का रोटी है जो रेडीमेड भी मिलता है बट मैंने अपने घर में बनाया है मैदे से, तो अब हम अपनी रोटी में चिकन को फिल करेंगे। और इसे बहुत ही अच्छे से रोल करेंगे। इस तरह हम अपने सारे टर्टिला में चिकन को डालकर रोल करेंगे। सिजलर प्लेट हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे बटर। और कैबेज को छोटे छोटे तोड़कर इस पर हम रखेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे पिज्जा में। इसके ऊपर डालेंगे हम कुछ टमाटर के स्लाइस, पतले पतले काट कर रखा था मैंने। अब इसके ऊपर रखेंगे हम अपने टर्टिला को। हमारी सिजलर प्लेट का प्लेट पे वो डाला हुआ बटर, कैबेज और टमाटो का जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है उससे हमारे टर्टिला का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। इसके ऊपर हम डालेंगे बटर और ये हमारा सिजलर प्लेट तैयार है फजीता का। अब हम चलते हैं अपने प्लेटिंग के तरफ। ये हमारा चिकन फजीता बन चुका है और अब हम चलते हैं अपने प्लेटिंग की तरफ। बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये स्टार्ट करते हैं हम अपना प्लेटिंग। ये सिजलर प्लेट बहुत ही स्वादिष्ट होता है, चटपटा, बिल्कुल रेस्टोरेंट की जैसा घर में खाना है ये। हम इस पे डालेंगे टोमेटो सॉस। तो फ्रेंड्स, रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल में घर में बना चिकन फजीता विद सिजलर प्लेट। और ये बहुत ही यम्मी है, स्वादिष्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।